चिड़िया रानी से कह दो कि अपने घोंसले में चींची ना करे। अगर चिड़िया रानी अपने घोंसले में चींची नहीं करेगी तो क्या भौंफो करेगी? पता नहीं बिटिया महादेव क्या चाहते हैं। पापा भी आप उनके बारे में मत सोचो, अभी ये सोचो कि बड़े लोग की चांदी ने है, किसी को गाने से क्या तकलीफ हो सकती है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिटिया, हम तो बस इतना समझ पाए हैं ये जो बुरा वक्त होता है ना, कभी अकेले नहीं आता है, अपने साथ पूरी बारात लाता है। बारात में भी गाना बजाना होता है तो फिर कोई हमें गाने क्यों नहीं दे रहा? कितनी मुश्किल से नया प्रोड्यूसर गाना देने के लिए तैयार हुआ, अगर टाइम पे उसे गाना नहीं दिया तो कहीं ये काम भी हाथ से ना निकल जाए। 10 पैकेट नूडल्स दो, 10 पैकेट बिस्किट, 5 चिप्स, 1 लीटर दूध दे दीजिएगा। थैला लाए बेटा। ये लीजिए। कितना हुआ? कुल मिला के आपके 413 रुपए हुए बेटा। बाबू मैंने ये सब नहीं चाहता। रे बिटिया तो फिर क्या चाहिए आपको? आप ये सब रख दो, 1 किलो मलका मसूर, 1 किलो रोज वाले चावल, 1 किलो आलू, 1 किलो आटा, थोड़ा सा घी, नमक, मिर्ची और जीरा। कितना हुआ दुकान वाले दादू? कुल मिला के 380 रुपए हुए। देखा बाबा, आप जो ले रहे थे उससे तो इतना सारा खाना आ रहा था, और मैंने जो लिया उससे इतना सारा खाना आएगा कि हफ्ते भर का काम हो जाना है। ये राशन का सामान, ये हिसाब करना कहाँ सीखा बिटिया आपने? माँ हमेशा से बचत करती थी, उसने मैंने सब सिखा दिया। अब ये सब मुझ पे छोड़ दो, और अब ये सोचो कि कुड़कुड़ वाले दादू और बुरी खबर वाले दादू से बचकर हम घर पे गाना कैसे बनाएं? वही तो हम भी सोच रहे हैं बिटिया। पैसे अगर होते तो स्टूडियो बुक कर लेते। स्टूडियो साउंड प्रूफिंग होता है ना? साउंड प्रूफिंग क्या होता है? एक कमरा होता है कि जिसमें अगर आप बात करते हैं, जिसमें अगर आप गाते हैं ना, तो बाहर की आवाज अंदर नहीं आती और जो अंदर की आवाज है वो बाहर नहीं जाती, तो उसमें आसानी हो जाती। एक कुड़कुड़ दादू और ये लीजिए बेटा। कितना हो गया? 380। हाँ। एक मिनट भैया, अकाउंटिंग से बढ़ गया। आप ये सब सीख रहे हो दुकान वाले दादू? हाँ बेटा। तो फिर आप ये मेनू दे दोगे प्लीज? कबाड़ी है, लेके जाओ। शुक्रिया। इन अंडे के क्रेट्स का हम करेंगे क्या? रात को ना मेरी माँ बहुत खांसती थी, तो बाजू वाले कमरे में मामी की नींद खराब होती थी, तो मामा ने यही खिड़की और दरवाजे पे लगा दी थी, तो उससे पता क्या होता है, आवाजें कम हो जाती है। आपने तो हमारी समस्या का समाधान कर दिया बिटिया, क्या बात है। आपको पता है, हमें लगता है कि अगर हमारी बिटिया हमारे साथ है ना, कोई नहीं आ सकता है। पापा खाना मैं बना देती हूँ। नहीं बिटिया, बिल्कुल नहीं, आप जाइए आराम कीजिए, जाइए। जैसे खुद तो 12-12 घंटे की नींद लेते हो, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली। की करा
जो मैं गा ना सकूं तू वो गाती है क्यों, जिंदगी ऐसी तुम गुनगुनाती है क्यों। जो मैं गा ना सकूं तू वो गाती है क्यों, जिंदगी ऐसी धुन गुनगुनाती है क्यों। वादे करती है जो भूल जाती है क्यों, जिंदगी बेवजह यूं रुलाती है क्यों। साथ चलने का जो है इरादा नहीं, तो कदम फिर मेरे साथ आती है क्यों। वो पता भूलता है बड़ी मुश्किलों से, तू गम को मेरा घर दिखाती है क्यों। एक पल में मना लेती है जिंदगी, मगर उम्र भर यूं सताती है क्यों। क्या क्या हो गया? सब्जी पापा को बताओ कि मेरे हाथ पे चोट लग गई तो वो और भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप चिल्लाए क्यों, आपको चोट लगी है? नहीं, धुआं बहुत ज्यादा हो गया, धुआं बगैर। प्रदूषण से हुआ बुरा हाल, बिल्ली हुई धुआं धुआं। अरे धुआं तो यहाँ भी हो रहा है। कौन भुट्टा खांस रहा है? अरे भुट्टा नहीं, मैं खांस रहा हूँ। तुम चलो, यहाँ से आ रहा है धुआं। हाँ मास्टर जी, जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा ना, मुझे पता है तेवर सबसे पहले कुल्फी को स्कूल भेजेगा वो, इसलिए मैंने अक्कड़ को बोल दिया ध्यान रखने के लिए वहाँ पे। और मैंने जितने भी छोटे मोटे स्टूडियो, बड़े जितने भी स्टूडियो हैं मुंबई में, हर जगह बोल दिया है, जहाँ पे भी कहीं पे भी तेवर आएगा गाना गाने के लिए, मुझे फोन सबसे पहले आएगा। मैं रखता हूँ। पानी, जो आग तुमने लगाई है ना, वो इतने पानी से नहीं बुझेगी। आज तुम्हें बोलना पड़ेगा, क्यों मुझे हर बात पे ब्लेम करते रहते हो? मैं विलन हूँ, कोई चुड़ैल हूँ तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती रहती हूँ? क्या किया मैंने ऐसा? क्या किया है? आपको बेटी से अलग किया है, एक दोस्त को दोस्त से अलग किया है, और ये तो मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी तुम एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर चुकी हो, एक भाई को भाई से अलग कर चुकी हो। सिकंदर महेंद्र भाई साहब भाभी के साथ है वो। क्या लगता है तुम्हें कि मुझे कुछ पता नहीं है? सब समझता हूँ मैं, बस बोलता नहीं हूँ। मेरे पाजी, मेरी भाभी जी, मेरी बेबे वो शिकायत नहीं करते, लेकिन उनकी चुप्पी से सब समझ जाता हूँ मैं। शादी क्या होती है? दो लोगों की शादी नहीं होती, दो लोगों के बीच में शादी दो परिवारों के बीच में होती है, समझो इस बात को। लेकिन ना तो तुमसे ये मेल मिलाप देखा गया, ना तुमसे करा गया। और सुना है? सुनाऊं? और तो सुनो, तुमने शुरुआत से जानबूझकर मेरी अपनी बेटी को मुझसे दूर रखा, और इस वास्ते हमारा वजह ऐसा लगता है अगर मैं कुल्फी को वक्त दूंगा तो वो मुझे खो देगी। नहीं सिकंदर, मैंने तो तुम दोनों को हमेशा मिलाने की कोशिश की है। तुम अमायरा को तुमसे हमेशा मिलाने में कितना लड़ी हूँ तुम दोनों के लिए, तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया। मैंने क्या, पूरी दुनिया ने देखा है अमायरा की खुशी की आड़ में तुमने कुल्फी को कितने दुख दिए हैं। अब भी यही साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमने जो किया वो परिवार के लिए किया, मेरे लिए किया। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। यू नेवर लव्ड मी इन योर लैंग्वेज। और जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मुझसे प्यार किया, तुमने उन सबको मुझसे दूर कर दिया।